तो अभी हमारे पास हीरो की एचएफ डिलक्स BS6 बाइक, इंजन की साउंड बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। तो चलिए हम दिखाते हैं आपको डायरेक्ट, वीडियो में ज़्यादा लेट नहीं करेंगे फटाफट, और आपको दिखाते हैं इंजन की जो साउंड है वो किस तरीके से है। यहाँ देखें, ऐसा लग रहा है कि इंजन की जो टाइमिंग चैन होता है वो यानी कि बहुत ही ज़्यादा लूज हो गया या टैपिट, ये सभी चीज़ें। तो फाइनली चलिए हम इसकी जो टाइमिंग चैन है उसे हम रिप्लेस करेंगे और इसको जो साउंड है बिल्कुल न्यू जैसा बनाएंगे। तो आखिर कैसे न्यू जैसा साउंड बनेगा और क्या क्या हमें पार्ट्स डालना पड़ेगा, कितना खर्चा आएगा, तो ये सभी चीज़ आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लें। तो इंजन की देखिए गाइस कितना ज़्यादा ख़राब साउंड, ऐसे में लगता है कि पूरा फुल इंजन असेंबली इसका फिटिंग करना पड़ेगा। तो चलिए हम पहले टाइमिंग चैन को खोलते हैं और आपको दिखाते हैं कि क्या इसकी टाइमिंग चैन ख़राब है या और भी कुछ रीज़न है। मेरे ख्याल से टाइमिंग चैन ही इसकी रिप्लेस होगी, पर हमें खोलने के बाद ही हम कन्फर्म होते हैं। और चलिए हम फटाफट से खोलते हैं और आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे देखें इसकी जो टाइमिंग चैन है, यह देखें कितना ज़्यादा लूज है। पूरा यानी कि झोल मारे जैसे यानी कि किक लगाते तो वैसे यानी कि चैन यानी कि छलांग ऊपर नीचे इस तरीके से, तो लूज होने के बाद ही ऐसी दिक्कत करता है। तो चलिए हम खोलते हैं और दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पे टाइमिंग चेन हमने पूरा ओपन कर दिया, अब हमें दूसरा लगाना है। तो यहाँ पे देखिए टाइमिंग चेन की पूरी किट और इसकी जो प्राइस है वो करीब 440 रुपये इसकी MRP है। तो ये पूरा किट आता है, इसमें ये पत्ती ऊपर का जिसमें रूलर यानी कि सेट आता है, ये खुलता नहीं है रूलर, और ये टाइमिंग चेन, और यहाँ पे हमारा आगे का स्पॉकेट हो गया, फिर ऑयल पम्प वाला जो स्पॉकेट नीचे होता था पहले वो वाला स्पॉकेट, और फिर सिलेंडर का, यानी कि पूरा किट आता है, स्प्रिंग आता है, सिर्फ पुश रड जो होता है वो चीज़ नहीं आता है इसके साथ। तो इतना यानी कि सामान आता है पूरा किट में, और जब भी आप BS6 बाइक में HF डीलक्स हो, स्प्लेंडर हो, तो इतना पार्ट आप ज़रूर लगाएं, तभी जो इंजन की साउंड है टाइमिंग चेन की वो बिल्कुल चली जाती है और फिर नहीं आती है। यहाँ पे ये बिल्कुल ज्वाइंट होता है, इसमें आप खोल के यानी कि नहीं लगा सकते। और ये देखें सिलेंडर वाला रूलर, अगर दोस्तों आपको ये रूलर और पत्ती वाला रूलर अगर मिल जाता है, अलग से भी मिलता है, तो चाहे वो दोनों आप रखें, और टाइमिंग चेंज जो होता है वो BS4 का ही लगता है। तो अब यहाँ पे लगाने के लिए सबसे पहले हमें टाइमिंग चेन को लगाना है और फिर जो सिलेंडर की रूलर है उसे लगाना है, और यहाँ सिलेंडर में हमें नट फंसा लेना 10 नंबर का बोल्ट।
इसे बिल्कुल सेटिंग पे लाके हमें नट लगाना होता है, तभी ये लगता है। जो फ्रंट है, इस पॉकेट है आगे का, उसे हमने यहाँ पे लगाया। और जब भी आप इस पॉकेट लगाते हैं, टाइमिंग चेन यानी कि लगाते हैं, तो हमारा पिस्टन बिल्कुल टॉप पे होना चाहिए, नहीं तो मैग्नेट क्रैंक की जो चाबी होता है वो बिल्कुल आगे। तो हम ये भी दिखाएंगे आपको कि इसमें यानी कि टाइमिंग हमें किस तरीके से मिलाना होता है, BS4 जैसे मिलता है या अलग। इस रोलर में यहाँ पे एलंकी बोल्ट लगता है। इस बोल्ट को हमें अच्छी तरीके से टाइट करना है और फिर इस पत्ती को यहाँ पे 17 नंबर की बोल्ट लगता है। तो इस पत्ती को लगाने से पहले यानी कि यहाँ पे जो पुश रड है उसे हमें नीचे की ओर दबाना है एक पेचकस के जरिए से। इस तरीके से हल्का हल्का आप दबाएंगे, ये बिल्कुल नीचे चला जाएगा। तो यहाँ पे नीचे जाने के बाद फिर हम यहाँ आराम से इसे लगा सकते हैं। तो आगे की जो इस पॉकेट है उसका टाइमिंग हालांकि हमने मिला दिया है, अब सिर्फ उसे यहाँ पे सेट करना है। तो इस बोल्ट को पहले टाइट कर लेते हैं। तो ये टाइट हो चुका, इस तरीके से फ्री चाल होना चाहिए इसकी। अब यहाँ पे हमें इस पॉकेट को सेटिंग कर देना है। यहाँ 8 नंबर की 2 बोल्ट लगेगी। तो यहाँ पे जो पुश रन है ये बिल्कुल टाइट है। अगर टाइट नहीं होता है तो आप यहाँ से ऑयल डाल के इसे टाइट कर सकते हैं, या तो अगर टाइट नहीं किया है तो बाद में भी आप ये ऑटोमेटिक टाइट हो जाता है ऑयल जाने के बाद। तो यहाँ पे जो मैग्नेट की चाबी है ये देखे, ये बिल्कुल आगे होना चाहिए इस तरफ, बिल्कुल सीधा। और यहाँ जो बिंदी है इस पॉकेट में ये वाली, और जो चेचिस में कट का निशान है उसके सामने में। अब यहाँ से गाइज आप टैपिट देखें, इसकी जो टैपिट है यानी कि ऊपर नीचे की प्ले है, टैपिट की भी साउंड आ रही थी कटकिट किटकिट जैसा। और नीचे की हालांकि ठीक ठाक है पर ऊपर का थोड़ा लूज है। तो हम टैपिट की एडजस्टिंग जो है वो तकरीबन 0.5 mm 6 mm इस तरीके से रखेंगे। तो टैपिट की एडजस्टिंग हमने कर दिया है। थोड़ा यानी कि ज़्यादा टाइट हो रहा था, तो हम हालांकि ब्लेड के ज़रिए से नहीं सेट कर रहे हैं, अंदाज़ा यानी कि इसकी जो है साइड प्ले जिस तरीके से 0.5 mm इतना हम प्ले रख रहे हैं इसके अंदर, साइड प्ले होना चाहिए और थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए साइड प्ले। अब यह नीचे की जो टैपिट है इसकी भी हम थोड़ा सेटिंग कर लेते हैं सही तरीके अपने हिसाब से। तो फाइनली दोस्तों हमारा तो पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ से चलिए इस कवर मैग्नेट कवर को लगाते हैं और बाइक को स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं इसकी साउंड। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले,
इसी तरीके से नए नए वीडियो और नए नए जानकारी पाने के लिए। तो इसकी जो पैकिंग है, अगर पैकिंग फट जाता है तो पैकिंग आप चेंज कर दें। तो फाइनली बाइक बिल्कुल रेडी है। अब चलिए हम इसे साउंड, आप देखिए इंजन की जो साउंड है वो किस तरीके से आ रही है। पहले क्या था गाइस, बहुत ही ज़्यादा झरझर कटकट जैसा साउंड आ रहा था, पर अब उस तरीके से बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज के वीडियो में बस इतने ही जानकारी देना था। मिलते हैं अब आगे, तब तक के लिए थैंक यू। और इसकी जो टाइमिंग चेन है वो इनकी 440 का था, और लगाने की मैकेनिक की चार्ज अलग होता है।